व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे असिस्टेंट फूड कंट्रोलर का कंप्लीट सॉल्व पास्ट पेपर। लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको आने वाली हर जॉब से रिलेटेड तैयारी के लिए मटेरियल जो है वो मिलता रहे। आइए स्टार्ट करते हैं। आवर फर्स्ट एमसीक्यू इज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द सेनेट वॉज ऑप्शन बी हबीबुल्ला खान, गवादर रिमेन्ड अंडर ओमान रूल फॉर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इसका राइट ऑप्शन क्या है 175। फैज अहमद फैज जो है वो कहाँ पैदा हुए थे, ऑप्शन डी सियालकोट में। ऑल इंडिया मुस्लिम स्टूडेंट फाउंडेशन वॉज फाउंडेड इन विच कंट्री, ऑप्शन सी चेन्नई। समयात सेन पार्क एंड कैसा गार्डन इज इन विच सिटी ऑफ चाइना, ये जो पार्क है वो चाइना की किस सिटी में है, ऑप्शन बी मैको। अशगाबाद इज द कैपिटल ऑफ, ऑप्शन डी तर्कमेनिस्तान। हु वाज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ऑप्शन बी ख्वाजा निजामुद्दीन। व्यूअर्स, ये जो एमसीक्यूज हैं इनको आपने अच्छे से रिमाइंड करना है, बल्कि इनको याद कर लें, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि पेपर्स में पास पेपर के जो एमसीक्यूज होते हैं वो मोस्टली रिपीट हो जाते हैं, तो इसलिए आपने इन एमसीक्यूज को अच्छे से याद रखना है, और इस तरह के जो एमसीक्यूज हैं उनको भी आपने रिवाइज कर लेना है। और नेक्स्ट एमसीक्यू इज राकापोशी इज लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज, ऑप्शन ए द कराकोरम। नागा पर्वत इज लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज, ऑप्शन बी हिमालया। द मेजर डिस्प्यूट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, पाकिस्तान एंड इंडिया में मेजर डिस्प्यूट जो है वो क्या, किस क्या इशू है मेजर, ऑप्शन डी कश्मीर इशू। बिग एप्पल इज अ निक नेम ऑफ, बिग एप्पल जो है वो किसका निक नेम है, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क का। हु इज करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क, सार्क का जो उस टाइम पे जब ये पेपर आया था तब करंट सेक्रेटरी जनरल कौन था, ऑप्शन सी एसाला वेरकन। हु रोट भुट्टो के आखिरी 323 दिन, तो ये किसने लिखे थे, ऑप्शन सी कर्नल रिफुद्दीन। यूनिजैक इज द फ्लैग ऑफ विच कंट्री, यूनिजैक जो है वो किस कंट्री का फ्लैग है, ऑप्शन सी इंग्लैंड का। पाकिस्तान लार्जेस्ट इंडस्ट्री, ऑप्शन डी टेक्सटाइल। हाइड पार्क लंदन इज री ओन फॉर, ऑप्शन ए लाइब्रेरी ऑफ स्पीच, लाइब्रेरी ऑफ स्पीच के लिए ये जो हाइड पार्क था इसको री ओन किया गया था। वेन डिड पंजाब फूड अथॉरिटी वॉज फॉर्म, इसका राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी 2011। तो व्यूवर्स, यहाँ पे एक और बात कि आप जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने जाते हैं जिस इंस्टीट्यूट से रिलेटेड भी, तो आपने उसका ये वाला जो एमसीक्यूज है ना ये जरूर याद रखना है कि वो इंस्टीट्यूट जो है वो कब बना था। जैसे आप ये हम असिस्टेंट फूड कंट्रोलर का पास्ट पेपर रिवाइज करें तो इसमें ये एमसीक्यूज आया था कि पंजाब फूड अथॉरिटी जो है वो कब बनी थी। तो इसी तरह जब आप डिफरेंट एग्जाम देने जाते हैं, लाइक अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का देना चाहते हैं तो आप उसकी डेट देख के जाएँ कि वो कब फॉर्म हुआ था, या पंजाब पुलिस ही देते हैं तो उसको देख के जाएँ। इस तरह से आप जो भी एग्जाम देने जाते हैं उनकी डेट ज़रूर देख के जाइएगा। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो कि तमाम एग्जाम्स में ज़रूर पूछा जाता है। डेफिशिएंसी ऑफ काजेज एनीमिया, किस चीज़ की डेफिशिएंसी जो है वो एनीमिया काज करती है, ऑप्शन डी आयरन। हु वॉज यू एन जनरल असम्बली प्रेजिडेंट इन 1962 से 1963, तो इसका राइट ऑप्शन क्या बनता है, ऑप्शन बी सर जफरुल्ला खान। केमिकल सब्सटांस डेट इंक्रीजेज अर्थ सर्फेस टेम्परेचर इज नोन एज, ऑप्शन बी ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो केमिकल सब्सटांस है जिसकी वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत फाउट बिटवीन, तीसरी पानीपत की जो जंग है वो किसके दरमियान हुई थी, ऑप्शन ए अफगान एंड मराठास। हु वाज द मुस्लिम लीडर ऑफ फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इसका राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी सर आगा खान। हैंड सैडल फाउंडेशन ऑफर्स पाकिस्तान स्टूडेंट्स, ये जो फाउंडेशन थी जिसने उस टाइम पे पाकिस्तान स्टूडेंट्स को क्या ऑफर किया था, स्कॉलरशिप्स, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द टर्म ऑफ नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान, नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान जो कितने टाइम के लिए होती है, ऑप्शन बी 5 ईयर्स।
फर्स्ट जनरल इलेक्शन वाज हेल्ड इन पाकिस्तान. फर्स्ट जनरल इलेक्शन पाकिस्तान में कब हुआ था? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 1970 में. जीरो वाज इन्वेंटेड बाय, जीरो जो है वो किसने दरियाफ्त किया था? ऑप्शन सी ब्रह्मा गुप्ता ने. दी स्टेटोस्कोप वाज इन्वेंटेड बाय, स्टेटोस्कोप किसने इन्वेंट किया था? ऑप्शन डी रेनी लियोनी ने. व्हेन पाकिस्तान बिल्ट इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट? इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी 1972. 1972 में पाकिस्तान ने अपना पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो तामीर किया था. द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान? ऑप्शन सी मारखोर. ये आप सबको पता भी होगा, नेशनल एनिमल जो है वो मारखोर है. चूज द एंटोनमी ऑफ फिकल. फिकल का जो एंटोनियम होता है वो क्या होता है? ऑप्शन डी लॉयल. टू कैरी द डे मीन्स, टू कैरी द डे इसका क्या मतलब होता है? ऑप्शन बी टू विन अ विक्ट्री. चार्ल्स डिकेंस नावल अ टेल ऑफ टू सिटीज हैज बीन रिटन इन द बैकग्राउंड ऑफ? ऑप्शन बी फ्रेंच रेवोल्यूशन. द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वॉज डिस्कवर्ड बाय, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसने डिस्कवर किया था? ऑप्शन ए आइजैक न्यूटन ने. द करेंसी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? डॉलर. डैश ऑर्गेनाइजेशन आई टोल्ड यू अबाउट हेल्प डैश एल्डरली. तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी दी, दोनों में द आएगा. द ऑर्गेनाइजेशन आई टोल्ड यू अबाउट हेल्प द एल्डरली. चूज द बेस्ट एंटोनियम ऑफ रैथ. रैथ का एंटोनियम क्या होता है? डिलाइट. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. चूज द सिनोनियम ऑफ ट्रिफल. ऑप्शन बी ट्राइबल. चेंज ऑफ स्पीच. चूज द करेक्ट ऑप्शन. आई सेड टू हिम वट इज योअर प्लान. तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी आई आस्क हिम वट इज वट हीज नेक्स्ट प्लान वॉज. डैश ही वर्क हार्ड इनफ ही कुडंट पास द एग्जाम. ऑप्शन डी ऑल्थो. ही जम्प डैश मी ऑफ. ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन एट. द ईगल सूप एंड अ स्लीपिंग लिजर्ड. ऑप्शन सी कैरिड ऑफ. चूज द सिनोनियम ऑफ डिवोट. डिवोट का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? ब्रीफ. डैश अपॉर्चुनिटीज यू हैव गॉट शुड नॉट बी मिस्ड. ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन. दी दी अपॉर्चुनिटीज यू हैव गॉट शुड नॉट बी मिस्ड. यू कांट प्रिवेंट सच अ सीरियस मैटर डैश पीपल डैश टॉकिंग फ्रॉम अबाउट इज द राइट ऑप्शन बी. दी बिग बैंग थ्योरी वॉज प्रपोज बाय, बिग बैंग थ्योरी किसने प्रपोज की थी? ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन जॉर्ज लिमेटर. थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज मीन. ऑप्शन बी डिवेलपिंग. डैश इज कॉल्ड ओपियम पपी. ऑप्शन ए ड्राइड लैटेक्स. वेन द टेम्परेचर इंक्रीज रेजिस्टेंस डिक्रीजेज इन. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर सेमी कंडक्टर. सेमी कंडक्टर वो डिवाइसेज होते हैं जिनमें अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए तो उनकी रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाती है. वाटर एंड सॉल्ट आर प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड विद. ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन बेस. वाटर एंड सॉल्ट कब प्रोड्यूस होते हैं? जब एसिड का रिएक्शन करवाया जाए बेस के साथ. नेक्स्ट एमसीक्यू इज मास इज द सेम फिजिकल क्वांटिटी एज. ऑप्शन बी इनर्शिया. व्यूवर्स इसके अलावा फूड कंट्रोलर के जो एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए मैंने हर टॉपिक की अलग वीडियोस जो हैं वो चैनल पर अपलोड कर दिया, आप जाकर वो भी देख सकते हैं जिससे आपकी अच्छे से तैयारी होगी हर टॉपिक से रिलेटेड. मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 200 सीरीज जो है उसमें 50-50 एमसीक्यूज जो हैं उनको डिस्कस किया. हु वॉज द लास्ट गवर्नर ऑफ ईस्ट पाकिस्तान? ऑप्शन बी अब्दुल मुतलिब मालिक. यूएस प्रेजिडेंट इलेक्टेड थ्रू. ऑप्शन बी इलेक्ट्रोल वोट्स. कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द फॉलोइंग रिस्पेक्टिव फॉर्म. कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो प्लांट्स में और एनिमल्स में किस फॉर्म में स्टोर होते हैं? ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन स्टार्च एंड ग्लाइकोजिन की फॉर्म में. पाकिस्तान वोन आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप इन. ऑप्शन सी 1992 इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट एमसीक्यू इज द प्रोफेशन ऑफ फातिमा जिना वास. फातिमा जिना बाय प्रोफेशन क्या थी? एक डेंटिस्ट थी. ऑप्शन सी. हु कॉइंड द नेम ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान का नेम जो है वो किसने सजेस्ट किया था? ऑप्शन बी चौधरी रहमत अली ने.
हाउ मैनी कंट्रीज यूज यूरो करेंसी, कितनी कंट्रीज जो है वो यूरो करेंसी यूज करते हैं? ऑप्शन ए 19। इज द मैन्युफैक्चर ऑफ वनस्पति घी विच गैस इज यूज, वनस्पति घी में कौन सी गैस यूज होती है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन गैस। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। नेक्स्ट आगे स्टार्ट होते हैं कुछ उर्दू के एमसीक्यूज। उर्दू जबान में कुरान पाक के पहले मतरजम कौन थे? ऑप्शन सी शाह अब्दुल कादिर। उर्दू का मशहूर अफसाना टोबा टेक सिंह किसकी तसनीफ है? ऑप्शन बी सादत हसन मंटू। नसरी किताब कौन सी है? ऑप्शन ए सबरस। इलामा इकबाल की शहर आफाक नजमी, शिकवा और जवाब शिकवा इनके किस मजमुआ कलाम में शामिल है? तो आप सबको पता ही होगा कि इलामा इकबाल की शिकवा और जवाब शिकवा जो नज़म है वो उनकी किताब बांगे दरा में शामिल है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मशहूर जासूसी नावल निगार इब्ने सफा का असल नाम क्या था? ऑप्शन सी इसरार अहमद। दर्जा जैल में से कौन सा मजमुआ कलाम अहमद फराज का नहीं है? ऑप्शन बी मेरे दिल मेरे मुसाफिर। ये सिर्फ ये एक जो ऑप्शन है ये अहमद फराज का मजमुआ कलाम नहीं है। इसके अलावा ये जो बाकी तीन है, मेरे ख्वाब रेजा रेजा, नबीना शहर में आईना, बे आवाज़ गली कूचों में, ये सब जो है अहमद फराज के कलाम हैं। उर्दू का पहला दीवान शायर कौन था? ऑप्शन ए कली कुतुब शाह। दर्जा जैल में से जरबुल मिसल तलाश करें, इन ऑप्शन में से जो जरबुल मिसल जो है वो हमने तलाश करना है तो वो कौन सा है? ऑप्शन सी नाच न जाने आंगन टेढ़ा। आई होप व्यूवर्स आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और इसे आपको काफ़ी नॉलेज गेन हुआ होगा और पास्ट पेपर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि पास्ट पेपर किस टाइप के थे और आने वाले जो एग्ज़ाम होंगे वो आपका किस टाइप का होगा। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा भी नॉलेज मिला हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।